उत्तराखंड में धामी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन दिसंबर माह में करने वाली है, लेकिन उससे पहले ही इन्वेस्टर समिट को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर धामी सरकार पर निशाना साधा, वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी पलटवार किया। आपको बता दें कि लंदन दौरे पर 12,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को पक्का करने के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगली उड़ान सिंगापुर, ताइवान और दुबई के लिए होने वाली है। वहीं मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा कि राज्य के अंदर समिट को लेकर जो काम प्रारंभ किया है उसमें लोगों के प्रस्ताव हमें मिल रहे हैं। इसके साथ ही एक लक्ष्य भी रखा है कि इन्वेस्टर समिट समारोह से पहले एक बड़ी धनराशि को धरातल पर उतारेंगे, हमारे युवाओं और नौजवानों को रोजगार के अवसर अपने ही घर में मिले। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। एक हमने राज्य के अंदर एक काम जो इन्वेस्टर समिट के रूप में प्रारंभ किया है उसमें निश्चित रूप से बहुत सारे लोग अब लगातार जुड़ रहे हैं, लगातार लोगों के प्रस्ताव आ रहे हैं। और हमने इस बार यह भी लक्ष्य लिया है कि जब 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट का समारोह होगा उससे पहले हम एक बड़ी धनराशि, एक बड़ी निवेश की राशि ग्राउंडिंग के रूप में पहले ही हम उसको जो है उतार लेंगे। और उसके बाद ये क्रम हमारा लगातार चलता रहेगा, जहाँ पिछले दिनों लंदन में प्रतिनिधिमंडल गया था, दिल्ली में कर्टन रेजर हुआ था, अभी 4 अक्टूबर को दिल्ली में रोड शो होने वाला है। देश के अन्य शहरों में भी, मुंबई है, अहमदाबाद है, बंगलोर है, सभी जगह हमारी टीमें जा रही हैं। और विदेशों के भी जो कार्यक्रम आगे प्रस्तावित हैं उनमें भी हम लोग प्रतिभाग करेंगे। हमें उम्मीद है हमारे सामने एक बड़ा अवसर ये इन्वेस्टर समिट के रूप में है कि आज पूरी दुनिया के जो उद्योग समूह से जुड़े हुए लोग हैं, निवेशक हैं, आज वो भारत की ओर आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है, और कहीं ना कहीं इसके कारण से निवेशकों का रुझान भी आज दुनिया के दूसरे देशों से हमारे देश की ओर हो रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड में भी अधिकतम निवेश आए, हमारे सभी नौजवानों को, युवाओं को रोजगार से जुड़ने का अवसर मिले, उनको अपने घरों में ही, जो हमारे नौजवान युवा हैं, उनको बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध हो। एक हमने